मुजफ्फरनगर में दिखा मुहर्रम का चांद अफशिया सरोगार, जहां एक तरफ सड़क में मुहर्रम के जुलूस के साथ निकालेंगे इमाम बारगाह में मजलिस का दौर शुरू हो गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। पहली बड़ी चुनौती कांवड़ मेला था और अब उससे सकुशल सफल होते ही मुहर्रम की बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर आ गई है। इसी को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभागार में ADM और SP सिटी द्वारा नगर के गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के शिया धर्मगुरु भी शामिल हुए। वहीं अधिकारियों द्वारा शिया धर्मगुरु को मुहर्रम के दौरान जारी गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी गई। अमेठी के ककवा रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास बाइक सवार युवक को चार बदमाशों ने दिहाड़े मारी गोली। गोली लगने से युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने रिक्शा के माध्यम से भेजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जहां से शिवपुरी हाईवे पर हुआ हादसा, रिटायर्ड बैंक मैनेजर सहित 3 घायल हुए हैं। हादसे की वजह हाईवे में हो रहे गड्ढे, हाईवे के गड्ढों में गिरकर एक चारपहिया कार ने दुपहिया वाहन सवार बैंक मैनेजर राम कुमार को टक्कर मार दी। राम कुमार की मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल से जा टकराई, जिससे वो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 108 एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। फतेहपुर जिले में 13 साल की किशोरी के साथ जीजा ने दुष्कर्म कर कमरे में पत्नी और साली को बंद कर भाग निकला। शाम को अचानक किशोरी की चीख पुकार सुनकर गांव वालों ने किशोरी के घर वालों को सूचना दी, जहां किशोरी के घर वालों ने आकर घर का दरवाजा खोलकर आरोपी और उसके घर वालों को बीच गांव में दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा, जहां आरोपी उसके माता पिता सहित 4 लोग घायल है। वहीं किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फोर्स आरोपी और उसके घर वालों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बावजूद भी आपराधिक घटनाओं में पुलिस लगाम कसने में फेल नजर आ रही है। ताजा मामला संत कबीरनगर से सामने आया है, जहां NGO कार्यकर्ता में दिन दिहाड़े 1,05,000 की छिनैती की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। धनगट्टा थाना क्षेत्र के रुपयों का कलेक्शन कर NGO कार्यकर्ता गिरजेश यादव अपने कार्यालय जा रहे थे। अलीगढ़ के थाना टपल क्षेत्र के ग्राम कमलापुर में दबंगों के द्वारा पुरानी रंजिश के चलते युवक को अकेला देख कर घेर लिया गया, उसके साथ खून की होली खेलते हुए उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी मिलते ही घायल युवक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए मंगलवार की रात अलीगढ़ हार्ट सेंटर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हालत युवक की गंभीर बनी हुई है। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए घायल युवक धर्मेंद्र ने बताया कि वो गांव में बैठा था, तभी पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने उस पर हमला कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 2 युवकों की चोरी होने की शंका में पिटाई कर दी गई। दरअसल दोनों युवक मेडिकल कॉलेज आए थे और एक बाइक के पास खड़े थे, तभी चोर होने की आशंका में लोगों ने पूछताछ शुरू कर दी। खुद को घेरा देखकर दोनों भागने लगे, जिसके बाद भीड़ ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर उनकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है, पूछताछ में जुटी है। मोबा में बीते दिन ट्रिपल मर्डर की वारदात होने से सनसनी फैल गई। नशे के आदि पति ने ईंट पत्थरों से कुचलकर अपनी 2 मासूम बच्चियों और सहित पत्नी की निर्शंस हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देकर हत्यारा पति मौके से फरार था। दिल दहला देने वाली इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का पुलिस अधिकारियों ने जायजा लिया है, तो वहीं फोरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल में जुटी है। आरोपी पति की तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित की थी, तो वहीं कोतवाली पुलिस द्वारा हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घर में सोते समय एक व्यक्ति को विषैले जीव ने काट लिया। सोते समय व्यक्ति को नहीं हुआ एहसास, उठते ही चक्कर खाकर गिर गया। परिजनों से जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कासगंज पुलिस ने मुहर्रम पर्व के मद्देनजर बाइक से रूट भ्रमण किया। बाइक से इंस्पेक्टर अनिल कुमार और क्राइम इंस्पेक्टर रामप्रकाश गौतम ने भ्रमण किया। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। निर्धारित रूट से ही निकाले जाएंगे ताजिए। अराजकता और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झांसी के मुरानीपुर ग्राम ढिमलोली निवासी संपत पत्नी किशोरी कुशवाहा ने क्षेत्राधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 2 महीने पहले शराब के नशे में टैक्सी के पीछे टकरा जाने पर ग्वालियर इलाज के दौरान मौत हो जाने पर आपस में राजीनामा हो जाने पर ग्राम के ही 3 युवक मेरे घर आए थे। 2 किश्तों में कोतवाली पुलिस ने नाम 2.5 लाख रुपए लिए और जब मेरे द्वारा थाने पता लगाया गया तो मेरे नाम की कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। पुलिस ने कोई पैसा नहीं लिया। जब मैंने अपने पैसे मांगे तो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो गया। इसको देखकर प्रार्थना पत्र दिया गया है। रानीपुर ग्राम सितौरा में नदी में अरिवार समाज के बच्चे की नदी में डूब जाने की सूचना पर भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रामादीन अपने साथी संतोष पुत्र किशोरी के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। वापस आने पर गांव के कुछ यादव समाज के लोगों ने जाति सूचक शब्दों के संबोधन करते हुए गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से वार करने पर कोशिश की और जान बचाकर भागे हैं। क्षेत्राधिकारी को लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। सावन महीने में जहां शिव भक्त ओरछा से मऊरानीपुर के केदारेश्वर मंदिर जलाभिषेक करने जा रहे हैं, तो वहीं कावड़ियों के साथ एक ऐसा भी शिव भक्त देखने को मिला जो अपने नन्हे नन्हे कदमों से ओरछा में मऊरानीपुर पहुंचा, जिसके कंधों पर कावड़ और भगवा वस्त्र धारण कर बम बोले के नारे लगाता हुआ दिखाई दिया, जिसे देख प्रशासन भी बोल पड़ा कि भक्ति में शक्ति है। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने खेत में धान लगाने जा रही महिला को रौंद दिया। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर मौके पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। चंपावत जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात के चलते जनपद के तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली शारदा नदी उफान पर है। तेजी से बढ़ते शारदा के जलस्तर को देखते हुए बनबसा शारदा बैराज पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने गंगा नदी पर बने भीमगौड़ा बैराज और
अनकी नदी पर बने सिरकुल से बिहारीगढ़ देहरादून मार्ग को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त हुए पुल का गहनता से निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते जनपद हरिद्वार में भी भारी तबाही मची हुई है। शहर से लेकर देहात तक बारिश के कारण जलभराव के चलते काफी नुकसान हुआ है। चमोली जिले के नारायणगढ़ प्रखंड में पंती हसकोठी मोटरमार्ग को पंती पुल के पास नाले में आई बाढ़ ने सड़क के एक बड़े हिस्से को वॉश आउट कर दिया, जिससे एक बड़े क्षेत्र की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरी ओर क्षेत्र के खैनौरी गांव के नीचे अत्यधिक बारिश के चलते भूमि भूस्खलन हो गई है, जिससे खैनौरी गांव को खतरा पैदा हो गया है। वहीं खैनौरी गांव में ही लोगों के खेत खलिहान जंगल जाने के नाले पर बने दो पुल पूरी तरह से बह गए हैं। मसूरी में हो रही लगातार बारिश से नाले उफान पर हैं, जिसके बाद बारिश होने से माल रोड सहित मसूरी के संपर्क मार्ग पर भी जलभराव हो रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। जिला प्रशासन ने मसूरी में जितने भी भूमिगत नाले हैं उनको जेसीबी द्वारा खोला जा रहा है, जिसमें 5 भूमिगत नालों को खोला गया। नायब तहसीलदार विनोद तिवारी ने कहा है कि जितने भी मसूरी में भूमिगत नाले हैं उनको खोलने का काम किया जा रहा है, और जितने भूमिगत नाले के ऊपर अवैध निर्माण किया हुआ है उनको नोटिस जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश ने अब लोगों को परेशानी में डाल दिया है, जिससे सभी कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। पहले एक सप्ताह से हो रही बारिश के चलते नारायणगढ़ प्रखंड के सिमली गांव की एक विधवा और गरीब महिला की गौशाला टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी सूचना महिला ने राजस्व विभाग को देते हुए गुहार लगाई कि उनकी क्षतिग्रस्त गौशाला का स्थलीय निरीक्षण करते हुए उनको गौशाला निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। महिला के बेटे ने बताया कि जब रात को उनकी गौशाला टूटी तब वो लोग ग्रामीणों से अपने मवेशियों को बारिश में ही बाहर निकालकर और बताया कि इनके गाय बैलों को भी गंभीर चोटें आई हैं। खटीमा कोतवाली पुलिस के द्वारा लाखों की अफीम के साथ 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों अफीम तस्कर उत्तर प्रदेश के अफीम की खेप उधम सिंह नगर जनपदीय सीमांत क्षेत्र में सप्लाई करने का काम करते थे। खटीमा पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 1 किलो से ज्यादा अफीम बरामद की गई है। गिरफ्तार तीनों अभियुक्त उत्तर प्रदेश शाजापुर पीलीभीत के रहने वाले हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश और श्रीनगर बांध जीवी के पावर द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद गंगा उफान पर है। एसडीआरएफ के मुताबिक गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के पार और खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रहा है। गंगा के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते तटीय इलाकों में बाढ़ के खतरे की संभावना के मद्देनजर एसडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट है। जायकुर भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की ने सोमवार को बीएसएफ बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले पत्रकार वार्ता कर बीएसएफ शिक्षण संस्थान प्रबंध पर गंभीर आरोप लगाए थे, तो वहीं संस्थान के डायरेक्टर रजनीश शर्मा ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन पर आरोप लगाने वाले खुद ब्लैकमेलर हैं, जिन पर उनकी तरफ से गंगनहर कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों को फर्जी बताते हुए संस्थान की छवि बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। कैबिनेट मंत्री और चमोली जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को चमोली पहुंचकर मानसून अवधि के दौरान आपदा प्रबंधन तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों को आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वय, सहयोग और टीम भावना से काम करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि बरसात में राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों को खोलने के लिए पर्याप्त संख्या में मशीनें और मैनपावर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सड़क अवरुद्ध होने पर कम से कम रिस्पांस टाइम देखते हुए उनको सुचारू किया जाए। भीमगौड़ा बैराज द्वार पर गंगा का जल स्तर लगातार वार्निंग लेवल के नजदीक पहुंच गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार ने निर्देश दिए हैं संबंधित विभागों को। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा देहरादून हरिद्वार में भारी वर्षा का रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसके चलते जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा 18 जुलाई को भीमगौड़ा बैराज का स्थलीय निरीक्षण किया गया था। वहीं 19 जुलाई को सुबह 8 बजे भीमगौड़ा बैराज द्वार पर गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल से काफी ऊपर पहुंच गया है, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विधानसभा के विधायक विक्रम सिंह नेगी पहले पहाड़ी विधायक बने, जो कि भारी बारिश और बेहद खराब रास्ते में पैदल चलकर अंकिता के गांव डूब शिकोट पहुंचे और अंकिता को न्याय दिलाने की कानूनी लड़ाई के लिए परिजनों को 1,11,000 की आर्थिक मदद भेंट की है। परिजनों को भविष्य में भी हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम और सरल बनाने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख शहर अगस्त्यमुनि से बिड़ूबगड़ तक बाईपास और विदर सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिससे अगस्त्यमुनि बाजार में घनी आबादी के कारण यात्रा सीजन में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं अगस्त्यमुनि बिड़ूबगड़ बाईपास संघर्ष समिति के सदस्यों सहित व्यापारियों के शिष्टमंडल ने नवनियुक्त जिलाधिकारी सौरभ गंगवार से मुलाकात कर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन सौंपा है।